बिलासपुर में पंपी जैन के करीब 11 घंटों तक उनसे पूछताछ हुई है। आईटी की टीम देर रात पुष्पराज जैन उर्फ पंपी को लेकर निकल चुकी है। पंपी जैन को फिर से कन्नौज ले जाया जा रहा है। कन्नौज में पंपी जैन के भाई से आईटी की टीम पूछताछ कर रही है, सवाल जवाब कर रही है, यानी कि पंपी जैन की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। करीब 11 घंटे तक सवाल जवाब किए गए हैं पंपी जैन से, और अब वापस उन्हें कन्नौज लाया जा रहा है। आप देखिए बैक टू बैक उनसे सवाल जवाब का लंबा दौर, क्रॉस क्वेश्चनिंग का दौर। सामने अधिकारी बैठे, सामने पुष्पराज जैन को रखा है और बार बार उनसे पूछा जा रहा है कि इतनी अकूत संपत्ति आपके पास आई कैसे। और इस वक्त आयकर विभाग की टीम पंपी जैन को लेकर के कानपुर स्थित अनूप जैन के आवास से निकल रही है। सर अब यहाँ से लेकर के कहाँ जा रहे हैं? लेके जा रहे हैं। अरे भाई पंपी जैन जी, यहाँ की कार्रवाई पूरी हो चुकी है, अब क्या कन्नौज वापस जा रहे हैं? सर कुछ कहना चाहेंगे? चाहेंगे वापस जा रहे हैं लेकर के? सर क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आप इस वक्त देख रहे हैं कि अनूप जैन के इस आवास से लेकर के अब पंपी जैन को यहां से आयकर विभाग की टीम निकल रही है। बताया ऐसा जा रहा है कि यहां से अब सीधे इनको कन्नौज की तरफ ले जाया जाएगा। गाड़ी के अंदर आयकर विभाग के अधिकारी बैठे हैं और पंपी जैन दो लोग पीछे की सीट पर बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ भी जानकारी इस वक्त नहीं दी जा रही है। जाहिर तौर पर जो स्थिति इस वक्त है, यहां से कानपुर से लेकर के निकल चुके हैं और ये पुलिस की टीमें हैं, पुलिस की गाड़ियां हैं जो कि पंपी जैन के गाड़ी के पीछे पीछे यहां से निकल रही हैं। जाहिर तौर पर अब मुश्किलें ऐसा लग रहा है कि बढ़ेंगी, क्योंकि यहां पर एसबीआई के दो अधिकारी लाए गए थे और एक सर्राफ भी लाए गए थे जो कि आयकर विभाग से जुड़े थे। कैमरा पर्सन विशाल के साथ जब्बार खान, जी मीडिया। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें जो कि कन्नौज से सामने आ रही है। सपा एमएलसी पंपी जैन से जुड़ी ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि सपा एमएलसी पंपी जैन पर जो अपडेट मिल रहा है, पंपी जैन के घर से 2.5 करोड़ कैश अब तक मिल चुका है। आप देखिए इसके साथ साथ सोना और चांदी भी मिला है। 90 लाख का सोना चांदी मिला है, जिसमें 60 लाख की चांदी अब तक जब्त हो चुकी है, 30 लाख का सोना है। करोड़ों के विदेशी ट्रांजैक्शन के डिजिटल सबूत आईटी विभाग के अधिकारियों के हाथ लग चुके हैं। फर्जी कंपनियों के जरिए, फ्रॉड कंपनियां, शेल कंपनियों के माध्यम से पैसों को इधर से उधर किया गया था।